अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होगी। तो हमारी आज की जो वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, हम लोग मेरी जो अभी करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम लोग उसके गो थ्रू करेंगे। पुश पुल लेग सीरीज़ होगी बेसिकली ये। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो पुश बेसिकली कंसिडर किया जाता है हमारे चेस्ट वाला मसल, हमारा साइड डेल्ट्स एंड ट्राइसेप्स। पुल हमारा हो गया बैक, बाइसेप्स हो गया हमारा जो रियर डेल्ट्स वाला एरिया वो है, और लेग्स तो खैर लेग्स तो फिर लेग्स ही है। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो देखी होगी बर्थडे वाली तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लाए हैं। वैसे ही मैं 6 वीक्स से मैंने जमाल के प्रोग्राम फॉलो किया था, पावर लिफ्टिंग का प्योर था, उसमें कुछ एसेसरीज वर्क भी थी। फिर मैंने ना, फिर मेरी बर्थडे आ गई, कुछ मुझे काम वाम थे, ईद थी, ये सब चीज़ें हो गई, तो उसके लिए ना मैंने उस प्रोग्राम से 1 हफ्ते के लिए गैप ले लिया था। और उस 1 हफ्ते के अंदर मैंने ना पुश पुल लेग्स नॉर्मल अपना ट्रेनिंग कर रहा था। फिर मैंने फिर सोचा कि ना एसेसरीज में ना मुझे ना लाइक बॉडी बिल्डिंग वर्क भी चाहिए था, प्योर पावर लिफ्टिंग ही जाना था क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल बॉडी बिल्डिंग है। कॉम्पिटिशन इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में कम्पीट करूँगा, उसके लिए मैंने क्या किया बेसिकली मैंने 2 प्रोग्राम्स को ना मिक्स कर दिया, पावर लिफ्टिंग जमाल का और एक बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम था। और मैंने पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ, है पुश पुल लेग्स ही, बस ये कि इसमें जो मैं मेरी जो कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट है, कंपाउंड मूवमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉलो करता जमाल का है। बस सीन मैंने ये किया कि पहले तो था फुल बॉडी बेस वर्कआउट से, एवरीडे फुल बॉडी था उसमें उस प्रोग्राम में, पर अब ये है कि फुल बॉडी नहीं कर रहा मैं, पुश पुल लेग्स ही कर रहा हूँ। बस पुश पुल लेग्स में ये किया मैंने कि जो मेरा कंपाउंड है वो मैं पूरा जमाल के कर रहा हूँ, बाकी एसेसरी वर्क में जो दूसरा बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग भी मेरे दोस्त शाही ने लिया था, प्रोग्राम खरीदा था, तो उसका काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। प्रॉपर वो PDF के अंदर डाइट वगैरह भी है सब है, डाइट वाइट फॉलो भी नहीं कर रहा वो, वैसे है वो कट के लिए, पर कट डाइट थी, पर बाकी वर्कआउट जो मैंने वर्कआउट मैंने बोला अच्छा लगा है मुझे तो क्यों ना इसको ट्राई करते हैं। तो वैसे ही तो लोग पुश पुल लेग्स से स्टार्ट करते हैं, मैंने थोड़ा मेरा डिफरेंट है, मैंने पुल से स्टार्ट लिया, पुल पुश लेग्स चल रहा है मेरा फिलहाल, पुल वर्कआउट है मेरा जो अभी आप लोग देखेंगे। अच्छा, ये पूरी सीरीज़ में चला हुआ इसकी मेरे वर्क आते रहेगी, बाकी पुश और लेग्स की भी वीडियो इंशाल्लाह आएगी जल्द। अभी पुल से स्टार्ट लेते हैं हम, सो सिट बैक रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। अच्छा, सो वी स्टार्ट अ पुल डे विद डेडलिफ्ट्स। मेरा जो फुल डे है वो यूजली डेडलिफ्ट से स्टार्ट होता है एज अ कंपाउंड मूवमेंट। तो हम लोग अभी ना week 8 पे है और अभी मेरा RP वर्क चल रहा है, RP 7। तो इसमें बेसिकली सीन ये है कि जो जमाल का भी जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ इसमें मेरे 5 सेट्स है मेरे कंपाउंड्स के, फेलियर सेट कोई नहीं है मेरा। जैसे मेरा week 6 डीलोड था, week 7 में RP 6.5 वर्क था, ये week 11 तक जाएगा RP 8.5 तक। फिर उसके बाद सी ये होगा कि मेरा एक टेस्ट डे आएगा जिसका ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा और वो बड़ा एक्साइटिंग दिन होने वाला है मेरे SBDs के। वनडे मैक्स हम लोग टेस्ट आउट करेंगे, लेट्स सी क्या नंबर्स आते हैं। होप तो मुझे है कि मेरा स्क्वाड 170 जाएगा, मेरा जो डेडलिफ्ट है वो 220-230 जाएगा, और बेंच की इतनी को उम्मीद है नहीं, पर 120 विद पॉज, मैंने 120 विद टच एंड गो किया तो उसमें मैं तो काउंट करूँगा नहीं, तो विद पॉज मेरी उम्मीद है कि हो जाए। मतलब 5 सेट्स है, पहला टॉप सेट 164 से 3 है, फिर 1 बैक ऑफ है जिसमें 4 रेप्स है 154 से, फिर 3 सेट्स है जिसके 4 रेप्स है और वो 145 kg से, जो मेरा ये 3 सेट्स कंप्लीट होंगे, मेरे टोटल 5 सेट्स कंप्लीट हो जाएगी। और फिर ये जो मेरा प्रोग्राम है जमाल का आप लोग देख सकते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं जो अपना ये दूसरा प्रोग्राम है ये है NMA फिज़िक का, NMA फिज़िक गाइड है, मतलब वो प्रोग्राम का है वो पता नहीं नाम दिया हुआ है बस। तो इसमें मैं ना क्या करता हूँ, इसमें अच्छा इसमें ये सीन है कि बेंट ओवर बारबेल रोज को ना मैं एज अ रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये है प्योर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट प्रोग्राम, वो है पावर लिफ्टिंग एक्स थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग, तो उसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ बेंट ओवर बारबेल रोज को। बाकी क्लोज ग्रिप लैट होल्डर सिंगल आर्म डंबल रोज वो मैं रखता हूँ। बस ये जो पहली साइज है ना इसके भी 5 सेट्स ही, अगर आप लोग देख सकते हैं, तो इसको मैं कट ऑफ करके एज अ रिप्लेसमेंट डेडलिफ्ट करता हूँ। और आप लोगों को पता ही है डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है, तो हमारे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, हिप्स, बैक, अप ट्रैप्स का एरिया सबको ट्रेन कर देती है एंड इट्स वेरी गुड। डेडलिफ्ट स्पेसिफिक डेडलिफ्ट तो नहीं, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत फ़ायदा है, जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने एक्सपीरियंस से देखी। अच्छा डिस्क्लेमर, मैं कोई प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस है। तो ये कि मैंने एक वो पढ़ी थी, मतलब पोस्ट पढ़ी थी उस पर इंस्टाग्राम में, कि जब बूढ़े हो जाए
तो ये हो के वॉशरूम खुद जाए, तो ये बहुत फ़ायदा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। आई डोंट नो आपको मेरी बात समझ आया नहीं आया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू योर बॉडी। अच्छा क्विक पॉइंटर, मैंने डेडलिफ्ट में देखा है कि लोग यूवी लिफ्टिंग में आके रोज़ एवरी डे एवरी वीक वन रेप मैक्स मार रहे होते हैं, अपने वन रेप मैक्स चेक कर रहे होते हैं। मैं भी ये करता था, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं ये नहीं करता था, आई यूज़ टू डू दिस अ लॉट विद माय विद शहीद। तो हम लोग क्या करते थे जब नए नए आए थे इस गोल्ड स्टार में आए थे, हम लोग हर वीक वन रेप मैक्स कर रहे थे। क्या एट अ सर्टेन पॉइंट आया कि मैंने अपने आपको मेरा मसला आ गया था, मसला आना शुरू हो गया था। तो प्लीज़ स्टॉप ईगो लिफ्टिंग, कोशिश करें कि यू कंट्रोल द वेट, डू नॉट लेट द वेट कंट्रोल यू। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर टू है लैट पुल डाउन्स। अच्छा लैट पुल डाउन्स मैं ना थोड़ा डिफरेंट वे पर ट्रेन करता हूँ। मैं ना बार जो होती है वो ऊपर लगा देते हैं हम लोग, आप लोग वैसे देख भी सकते हैं, और साथ में ना हम लोग जो केबल्स है ना एज अटैचमेंट उसको यूज़ करते हैं, वैसे ही मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा वैसे मुझे याद है कि वैन आई यूज टू ट्रेन पवेलियन, मैं वहाँ ना अच्छा वो जिम थोड़ा ना फ्री वेट्स टाइप था, अच्छा जिम था, बड़ी याद आती है पवेलियन की, टूट गया अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। हम लोग वहाँ मेम्बर्स थे हम लोग वहाँ के, तो मैं वहाँ पर फ्री वेट्स करता था यूजली ट्रेन, क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो फ्री वेट्स बेस्ड जिम था, मज़ा आता था, डेडलिफ्ट करते थे हम लोग। पर और लाइक होता है ना मशीन जब होती है तो वो आपकी सर्टन मोमेंट्स फ्रीली नहीं कर सकते आप, पर खैर आई वॉज़ रॉन्ग। अब मुझे जाके फील हुआ है कि आधी कॉम्बिनेशन फ्री वेट्स का, कुछ कॉम्बिनेशन मशीनों का, इन दोनों को जब ज्वाइन कर लो ना तो दैट्स द बेस्ट इनमें। अच्छा अगर आप लोग को नहीं बताओ, आप लोग न्यू इन जिम हैं तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि फॉर फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट वीक 12 रेप्स मारे, फिर नेक्स्ट वीक उसी वेट से 14 रेप्स मार लिए, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ाए। पर ये नहीं है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यही मतलब है आप रेप्स इंक्रीज़ करते रहे, यू कैन या आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अलग अलग तरीके, आप थोड़ा अपना रेस्ट टाइम कम कर दे ड्यूरिंग सेट्स, अपने सेट्स थोड़ी बढ़ा दे, थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ कर दे, थोड़े से रेप्स बढ़ा दे, डिफरेंट वे में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं आप। मैं यूजली यही पसंद करता हूँ कि मैं वैसे वेट वाला करता हूँ, रेस्ट वाला मैं फॉलो नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ना वेट इंक्रीज़ करते रहो बाय टाइम, 2.5 kg, 2.5 lbs, व्हाटएवर सूट्स यू, इंक्रीज़ करता रहो। तो हाँ ये भी है कि मशीन्स में ना बार बार वेट ऐड करना भी इतना आसान नहीं है, तो जब आपको हो के आप और वेट नहीं इंक्रीज़ कर सकते और आपसे नहीं बढ़ रहा वेट, तो रेदर देन इंक्रीजिंग द वेट आप अपने रेप्स बढ़ा दें, अपने या तो सेट्स बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लें, और ऐसे एक वीक बाई वीक कर करके आप लोग इंशाल्लाह खुद प्रोग्रेस देखना शुरू कर देंगे। हम थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, वो है हमारी डंबल रोज। हम लोग बारबल रोज भी कर सकते हैं बट मैं डंबल रोज प्रेफर करता हूँ, दैट्स बिकॉज यूजिंग वन आर्म एट अ टाइम अलाउज यू टू रियली फोकस योर एफर्ट्स ऑन लैट्स ट्रैप्स एंड अदर बैक मसल्स टारगेटेड बाय द एक्सरसाइज। तो यहाँ हमारा बैक वर्कआउट ख़त्म होता है, हमारा जो बैक वाला एरिया को हम ख़त्म करते हैं। अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ क्वान्टिटी ओवर क्वालिटी, ये नहीं है कि आप जा रहे हो एक एक्सरसाइज की बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब इट्स बेटर टू डू 2-3 एक्सरसाइजेस, बट वो 2-3 एक्सरसाइज ऐसे करो कि वो 5-6 के बराबर हो। तो जो चौथी एक्सरसाइज है वो है रियर डेल्ट केबल फ्लाइज, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, माय फेवरेट एक्सरसाइज। इसका जो पंप है वो अनरियल है, तो इसके मैं परफॉर्म करता हूँ 4 sets। अच्छा इस पे जो मैं वेट है ना वो मैं ज़्यादा हैवी नहीं सिलेक्ट करता, इस पे नॉर्मल वेट सिलेक्ट करके मेरा जो मेन गोल होता है एक्सरसाइज में होता है कि इस पॉइंट पे आके ना स्क्वीज़ करना रेदर देन गोइंग हैवी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हैवी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट है। आइसोलेशन बेस्ड मूवमेंट में मैं ना हैवी नहीं जाता, मैं मोर ऑफ अ स्क्वीज़ को देखता हूँ कि किस तरीके से मैं स्पेसिफिक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब एंगल आपका अच्छा होना चाहिए। रियर डेल की फ्लाइज है, तो रियर डेल केबल फ्लाइज है हमारा, ये वाला मसल है इसको टारगेट करते हैं, तो इसके हम लोग 4 sets करते हैं, 12-15 की रेफरेंज होगी मेरी टोटल। तो रियर डेल से हम हो गए फारिग। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 है केबल कर्ल्स। केबल कर्ल्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेज है, मैं उसको करता हूँ, मैं लाइक बाबा कर्ल्स वगैरह नहीं करता, मैं उसको केबल्स भी प्रेफर करता हूँ, केबल्स पे मैं एज अ डबल हैंड ग्रिप प्रेफर करता हूँ,
आप लोग अभी देख सकते हैं, इसका जो पंप है ना इट्स अनरियल। लाइक अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, ट्राई करो, बहुत अच्छी है। तो इसके हम लोग इस पे मैं फेलियर प्रेफर करता हूँ, पर वेट लाइट वेट बट फेलियर तक जाते हैं। बाइसिक के साइज है तो मैं ड्रॉप सेट भी अच्छे खासे ऐड कर देता हूँ, 4 सेट इसके परफॉर्म होते हैं, 10-12 की रेपरेंज होती है। मैं क्या करता, पहले जो 2 सेट्स हैं वो मैं जाता हूँ 10-12 तक जाता हूँ फेलियर, फिर उसके बाद मैं ना ड्रॉप सेट्स ऐड कर देता हूँ। आखिरी के जो पहले 2 सेट्स नॉर्मल होते हैं, फिर बाकी के जो 2 सेट्स होते हैं ना वो तो बिल्कुल फाड़ू होते हैं कि बस पता चल जाए कि भाई ट्रेन किया है बंदे ने। एंड लास्टली हमारी जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है वो मैंने अभी न्यूली डिस्कवर्ड की है, वो है ड्रैग कर्ल्स। ड्रैग कर्ल्स मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने ये ऐसी नेट पे देख रहा था तो रैंडमली मैंने देखी थी, तारीफ सुनी थी बहुत लोगों से, मैंने पहले करता भी था केयर उसके साथ प्लेट के साथ, बस में ना मज़ा नहीं आता था, पर मैंने रिसेंटली ऐसी रैंडमली स्मिथ मशीन में किया ट्राई। और लॉन्ग बेसिकली ड्रैग कर्ल्स हमारा लॉन्ग हेड को टारगेट करता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करें। मुझे इसने बहुत मतलब फ़ायदा दिया है अपना बाइसेप ग्रो करने में, लाइक जब से ये एक्सरसाइज मैंने अपनी रूटीन में डाली है इम्प्रूवमेंट आई है। मैं और इम्प्रूवमेंट और पंप ऐसे मैं इसको ऐसे मैं क्या करता हूँ उसको ना पहले बाकी बाइसेप एक्सरसाइज करके ना उसको सबसे लास्ट में रखता हूँ, तो वो जो मज़ा आता है ना वो अनरियल है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। एंड आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे पुश एंड लेग्स वाला भी वर्कआउट निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। अगर इन्जॉय किया है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेगा और सी यू सून।